पे तीनों ये कॉर्नर पे अभी सब लोग यहाँ पे रुक जगह हो राजेश नाउ राइट साइड कौन है यार ये सुनील आराम से यार दोनों अभी यहाँ पे ये साइड सोलो यार सही है झंडू कुछ बोल मत अभी तू तेरे गुस्सा आया मैं सेंटर में गुस्सा है सेंटर तो तीन लोग दे रहा लाइट दिखता नहीं काले सतेंद्र येल्लो मारना सतेंद्र काय करे काय थोड़ा ये साइड शिफ्ट हो जाए सेंटर में आइए सेंटर में आइए और कितना नहीं है भाई तुम लोग शूट कम कर रहे हो हिल जा रहे हो ये साइड बहुत हिल रहे हो तुम लोग राइट साइड थ्री ऑल ऑफ राइट साइड मैम राइट साइड अरे हाथ हटाना बंद राइट साइड अरे उनको समझ में नहीं आ रहा है अभी सर सर हाँ लेते हैं जो है यार ये हाथ क्या कर रहा है तू अभी दो है दो स्ट्रेट दो है सामने दो है हाँ यहाँ से चालू की हम ढेर सारी बातें करेंगे लेकिन उससे पहले जानना चाहेंगे कि परफेक्ट वुमेन के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं फोटोशूट बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज हम कवर शूट करने वाले एंड मैं एक कवर शूट उनके साथ ऑलरेडी पहले कर चुकी हूँ सो इट्स बीन अ ग्रेट रैपो विद देम सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड 13 साल की उम्र में ये जो है इनके साथ में फोटोशूट करवाने के लिए कितने एक्साइटेड हैं आज तो खैर हम इनके साथ नहीं कर रहे बट आई विश आई होपफुली विल वर्क विद हिम ओह वी विल क्लिक फ्यू पिक्चर्स विद हिम बट डेफिनेटली सो इट बी ग्रेट फन एंड बहुत मज़ा आएगा आई थिंक एंड इतने यंग एज में इन्होंने ही इज़ गॉट दिस सर्टिफिकेट सो आई थिंक कूडोस ड्यूड आई थिंक यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो एंड कीप डूइंग द गुड जॉब एंड कीप लर्निंग आपके डिनर को भी बहुत ज़्यादा प्यार मिला है लोग बहुत ज़्यादा
I will say I'm very blessed because first of all, title role hai Sweetie Veg Zanara hai, and most importantly, it's a very it's a character that's very close to my heart. So jab kyunki maine jab kahani suni thi tabhi mujhe pata tha ki mujhe bahut maza aayega ye character play karne mein, because she's very different. She's not the usual girl. She has her mood swings. She will say whatever she wants to, aur wo sabko apni baat manwa ke chhodti hai. And it's a chaos that's happening in the film. So I think audience ko dekhne mein kafi maza aayega. Kya kya compliments aa rahe hain? Log kya tareef kar rahe hain aapke pehchan wale, aapke family friends? They're saying that I'm looking good, that they're saying that they like the character, especially jab meri family ne script dekhi and jo humne preview dekha movie ka. So I think they loved the character. So that is more of a compliment to me when people like the character more. So. सुन लिया आई रिमेम्बर लिसनिंग टू दैट सॉन्ग और मुझे वो रोने का एक सीन देना था एंड सब सेटअप वगैरह हो चुका था एंड दे जस्ट प्लेड द सॉन्ग और उस गाने में इतना दर्द है आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग और इट हैज़ अ वेरी इट्स वेरी सोलफुल सॉन्ग एंड आतिफ असलम ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसे गाया है सो और लोगों को पसंद भी काफ़ी आ रहा है तो आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट डेफिनेटली आई लाइक टू डू लीड रोल्स एंड कोशिश यही है कि मैं अच्छे किरदार करूँ और अच्छी फिल्में करूँ और जो हमारे दर्शक हैं उनको वो मुझे पसंद करें इन किरदारों में तो कोशिश तो हमेशा से वही रही है और हर एक्टर चाहता है कि दे डू द बेस्ट ऑफ फिल्म्स और द बेस्ट ऑफ पीपल सो आई थिंक सेम हियर आई एम ऑल्सो ऑन द सेम लाइन्स थिंकिंग दैट आई विल डू बेटर वर्क इन गुड वर्क दैट विल बी अप्रिशिएटेड बाई द ऑडियंस हाँ मुझे पता था ये क्वेश्चन आने वाला है शादी वाला मैं अगर करना चाहूँ तो NRI से करूँगी या नहीं करूँगी NRI एक्चुअली इंडिया में बहुत सारे ऐसे डैड्स हैं जिनको NRI हस्बैंड NRI दामाद चाहिए और हमारी मूवी में भी ऐसे ही कुछ है सो बट मेरा आई थिंक मेरी कहानी हम छोड़ देते हैं पहले 2 जून को स्वीटी वेट NRI देख लेते हैं मैं शादी की बात बाद में करूँगी आपको लगता है फिल्म देखने के बाद में लोगों की ये राय बदलेगी ये चेंज होगी कि इंडियन लड़का चाहिए कनाडा नहीं जाना है कुछ इस तरीके से कुछ लोगों में फर्क बैठेगा मुझे आई थिंक सो पढ़ना चाहिए अब ये तो आपको मूवी देख कर ही पता चलेगा मैं ज़्यादा सस्पेंस खोल हिडन मैसेज ये आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा Which is my favorite pose? I think casual is best. Casual is best. Just be yourself in front of the camera. That's best. सबको यही कहना चाहूँगी अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया 2 जून को हमारी फिल्म आ रही है स्वीटी वेज NRI एंड आप अपने नियरेस्ट थिएटर्स में जाइए थिएटर्स थोड़ा दूर भी हो तो चले जाइए यू विल इन्जॉय द फिल्म एंड आज ही हमारा गाना लॉन्च हुआ है मुसाफिर आतिफ असलम के साथ और ओ साथिया भी हमारा लॉन्च हो चुका है विच इज़ संग बाय अरमान मलिक सो दो गाने लॉन्च हो चुके हैं ट्रेलर भी आ चुका है सो गो वॉच इट एंड 2 जून इट्स कमिंग नियर योर थिएटर सो You'll have a very good time. Thank you. Thank you. Thank you.
लेके ही था और थोड़ा आगे चला जा थोड़ा उसको शूट करने को कहना है इसको बोल रहा हूँ करना पड़ेगा।